पीएम मोदी आज से चार राज्यों के दौरे पर होंगे। आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायपुर और यूपी के गोरखपुर जाएंगे, जबकि 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज छत्तीसगढ़ और यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो यूपी के गोरखपुर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:45 पर पीएम रायपुर पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी बिलासपुर पथरापाली के 4-लेन NH का लोकार्पण करेंगे, कोरबा इंडियन ऑयल की बॉटलिंग प्लांट और रायपुर खरसिया रेल लाइन की दोहरीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही वो आयुष्मान योजना के तहत बांटे जाने वाले कार्ड के कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। अंतागढ़ से रायपुर नई ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी यूपी के गोरखपुर जाएंगे। दोपहर करीब 2:30 पीएम गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:00 वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी ने सूरत की कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज बेहद अहम दिन है। आज गुजरात हाईकोर्ट में मोदी सरनेम विवाद पर फैसला सुनाया जाएगा। ये वही विवाद है जिसमें सूरत कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की संसद सदस्यता चली गई थी। गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की उस अर्जी पर आदेश आना है जिसमें उन्होंने इस केस में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक की मांग की है। 20 अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल की संसद सदस्यता बच सके, इसके लिए जरूरी है कि उनके दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगे। सिर्फ सजा पर रोक से उनकी सदस्यता नहीं बच सकती, अभी सिर्फ उनकी सजा निलंबित है। अगर आज हाईकोर्ट दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी स्टे दे देता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता है। आज राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान राहुल मणिपुर हिंसा को लेकर बात कर सकते हैं, साथ ही कांग्रेस में संगठन से जुड़े बदलावों को लेकर भी कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी के हालात देखने के बाद बैठकों का दौर चल रहा है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र में एनसीपी के घमासान के बाद राज्य की पार्टियों में अब मंथन जोरों पर है। महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी के विधायकों, सांसदों और दूसरे पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। उधर गुरुवार को दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें शरद गुट के सभी 27 सदस्यों के मौजूद होने का दावा किया गया। उधर शरद पवार के समर्थन में कई विपक्षी दल भी उतर आए हैं। शरद पवार जी मजबूत नेता हैं, ये भतीजा का क्या असर है? भतीजा कह रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो जाइए। उनके कहने से रिटायर हो जाएंगे वो। मूल दल तो वही है, देखिए हर आदमी जानता है कि एनसीपी शरद पवार जी के आजू बाजू गठित हुई और वही उसके चेहरा है। इस बीच अजित पवार गुट की इस वक्त की सबसे बड़ी कवायद है वो 3 MLA जो अभी तक तटस्थ नजर आ रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ लाना। इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट के भी कुछ विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है, ताकि उन्हें अपने पक्ष में लाया जा सके, ताकि बहुबल में अजित पवार गुट आगे निकल जाए। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक बार फिर बीजेपी की हाई लेवल बैठक हुई। 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस बैठक में गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। कैबिनेट और संगठन में फेरबदल की अटकलों के बीच एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने आवास पर अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। बीते कई दिनों से बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में शाह, नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने कई दौर की मीटिंग की थी। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं ने इस साल के आखिर में होने वाले तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह, नड्डा और बीएल संतोष के बीच कैबिनेट में फेरबदल को लेकर भी बात हुई थी। इसके बाद तीनों नेताओं ने पीएम मोदी के साथ उनके आवास पर 28 जून को बैठक भी की थी। फिर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 3 जुलाई को मीटिंग की।
यूसीसी को लेकर सियासी गलियारों के साथ साथ कुछ संगठनों में भी मंथन जारी है। यूसीसी को लेकर आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बैठक करने वाली है, तो दूसरी तरफ AIMPLB की विपक्ष के साथ बैठक हुई। यूसीसी पर एक के बाद एक संगठन और सियासी पार्टियां बैठकें कर रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक अहम बैठक करेगी। बैठक में कमेटी के अध्यक्ष और महासचिव के साथ साथ सिख समुदाय के बौद्धिक लोग मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है और 2:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। इस बीच गुरुवार को AIMPLB के एक डेलीगेशन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। साथ ही डेलीगेशन ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी जल्दी ही मिलेंगे। इस बीच यूसीसी के मामले पर AIMPLB ने एक लिंक जारी कर सबसे राय देने की अपील की है, जिससे लॉ कमीशन तक आवाज पहुंचे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ हैं। उधर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मस्जिदों के इमाम से अपील की है कि वो जुमे की नमाज से पहले यूसीसी के बारे में बताएं। एक देश एक कानून। इस बीच इसके विरोध में BJP के ही एक विधायक उतर आए हैं। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम खून पसीना बहा देंगे। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार लगेगा। माना जा रहा है कि करीब 1,00,000 लोग बाबा के दिव्य दरबार में शामिल होंगे। भीड़ को देखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। IP एक्सटेंशन में हनुमंत कथा कहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खून पसीना बहा देंगे, लेकिन लोग बस ऐसी बातें ही कहते हैं, करते नहीं। यदि भारत के लोग जागे होते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। साथ ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि जब हमारी संस्कृति पर हमला हुआ था, तब हम एकजुट होकर उनको जवाब दिए होते तो कोई भी हमारी संस्कृति पर हमला नहीं करता। बाबा बागेश्वर का ये कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू हुआ है और 8 जुलाई तक चलेगा और बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। घाटी में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सेना के ऑपरेशन की वजह से अब कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 जुलाई तक 27 आतंकी मारे गए हैं और आतंकी घटनाओं में भी काफी कमी आई है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ चल रही जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिल रहा है। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से घाटी में आतंकी घटनाओं में भारी कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के आंकड़ों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने इस साल 5 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में 27 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें 8 स्थानीय और 19 विदेशी आतंकवादी शामिल हैं। जबकि साल 2022 में सुरक्षा बलों ने घाटी में कुल 187 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें 130 स्थानीय और 57 विदेशी आतंकी शामिल थे। CRPF के दिए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ में भारी गिरावट आई है। ये बदलते कश्मीर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद में लगातार कमी आ रही है। साथ ही सरकार लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। Z News.